के मुंह पर करारा तमाचा। इजिप्ट ने बोला, तुर्की का झूठ खोला। सामने आया अर्दोगान का डबल गेम। भारतीय गेहूं को बदनाम करने की बड़ी साजिश। दोस्तों, गेहूं की जिस खेप को लेकर तुर्की ने सवाल उठाया था, दुनिया में बवाल मचाया था, उस तुर्की के मुंह पर अब कालिख पुत गई है, क्योंकि उसका झूठ सबके सामने उजागर हो गया है। दुनिया जान गई है कि तुर्की का प्लान क्या था, उसके नापाक मंसूबे क्या थे, वो किस तरह पर्दे के पीछे पाकिस्तान के साथ मिलकर सारा खेल खेल रहा था, चीन के बहकावे पर बड़ी साजिश रच रहा था। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि सामने जो देश है वो कोई हलवा नहीं है, वो हिंदुस्तान है, जिसके खिलाफ साजिश रचना उसके जैसे देशों के बूते की बात नहीं है, क्योंकि भारत वो आंधी है जिसके सामने अच्छे अच्छे ढेर हो जाते हैं। तुर्की ने यह सोचा था कि वो पाक और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करेगा, उसे घेरेगा। लेकिन पीएम मोदी ने अर्जुन के रूप में उसके इस चक्रव्यूह की ऐसी बखिया उधेड़ी कि वो तार तार हो गया। पीएम मोदी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया कि तुर्की के झूठ से सारा पर्दा उठ गया और वो दुनिया के सामने शर्मसार हो गया। उसे मालूम चल गया है कि अब वो बेपर्दा हो चुका है और दुनिया उस पर थू थू कर रही है। दोस्तों, तुर्की जिस पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सारी चाल चल रहा था, वो पाकिस्तान भी भारत के आगे गेहूं के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सारा प्लान पाकिस्तान को सस्ता गेहूं दिलाने के लिए रचा गया था? क्या तुर्की के सारे झूठ के पीछे पाकिस्तान को अनाज की सप्लाई कराना था? क्या चीन भी इस योजना में शामिल था? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तुर्की के डबल गेम के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर तुर्की ने यह साजिश रची कैसे थी, कैसे भारतीय गेहूं को मानकों पर खरा नहीं बताया था। तुर्की ने कर दिया था इनकार, भारत के गेहूं को कर दिया था वापस। दोस्तों, तुर्की प्रशासन ने भारत द्वारा भेजे गए गेहूं की खेप को लेने से इनकार कर दिया था। तुर्की के अधिकारियों ने इस खेप में फाइटोसेनेटरी की शिकायत करते हुए इस खेप को वापस भेज दिया था, जिसके बाद 29 मई को जो शिप ये खेप लेकर तुर्की पहुंची थी, उसे वापस लौटना पड़ा। गेहूं की 15 मिलियन टन खेप के वापस आने से भारत के व्यापारियों की मुश्किल बढ़ गई थी। S&P की ओर से कहा गया है कि गेहूं की खेप में रुबैला नाम की बीमारी थी, जिसके चलते तुर्की के कृषि मंत्रालय ने इसे लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, दरअसल भारतीय पौधों में रुबैला बीमारी गंभीर समस्या है, जिसके चलते विदेश भेजे जाने वाले कंसाइनमेंट में दिक्कत आती है। लेकिन आज तक इसे लेकर भारतीय गेहूं में ऐसी समस्या नहीं आई थी, क्योंकि भारत जो भी गेहूं निर्यात करता है उसकी क्वालिटी को सभी मानकों पर परख लेता है, जिसके बाद उसे दूसरे देशों को भेजा जाता है। लिहाजा जब तुर्की ने गेहूं की खेप को वापस किया तो भारत का चिंतित होना लाजमी था। तुर्की की इस हरकत के बाद भारत समझ गया था कि इसके पीछे उसकी कोई गहरी चाल है, लिहाजा उसने तुर्की से इसको लेकर सबूत भी मांगे। लेकिन झूठे आरोप लगाने वाले तुर्की के पास इसे लेकर कोई सबूत नहीं था, लिहाजा वो अभी तक भारतीय अधिकारियों के सामने कोई भी तथ्य या रिपोर्ट पेश नहीं कर सका है। तुर्की के इस झूठ से पर्दा उठाने में इजिप्ट ने भी बड़ी भूमिका निभाई। वो कैसे, मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं आखिर तुर्की की इसके पीछे मंशा क्या थी। पाकिस्तान को है गेहूं की दरकार, भारत से चाहता है गेहूं खरीदना। दोस्तों, दरअसल तुर्की के करीबी दोस्त पाकिस्तान को भी गेहूं की दरकार है, उसके यहाँ भी खाद्यान्न संकट खड़ा हो गया है, लिहाजा वो भारत से कम दाम पर पाकिस्तान को गेहूं दिलवाना चाहता है। इसे लेकर उसके दिमाग में खुराफात सूझी। उसे लगा कि जो गेहूं उसे भारत ने भेजा है उसके खिलाफ दुष्प्रचार करके वो भारतीय गेहूं को दुनिया में बिकने से रोक देगा और मजबूरन भारत को पाकिस्तान को गेहूं देना पड़ेगा। लेकिन भारत उसकी ये सारी चाल समझ गया और उसके मुंह पर ऐसा करारा तमाचा मारा कि उसे दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वो कैसे, मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस बात की मैं आपसे चर्चा कर रहा था उसे बताना जरूरी है, और वो है भारत पाकिस्तान के रिश्ते। दोस्तों, द ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खराब हो गए हैं, द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया गया है और कोई सीधी वार्ता नहीं हुई, लिहाजा पाकिस्तान को भारत के साथ गेहूं खरीदने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके पहले वो भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा वो बिना शोरगुल के भारत से बात कर रहा है। इन्हीं संपर्कों के कारण फरवरी 2021 में युद्ध विराम समझौते का नवीनीकरण हुआ और तब से संघर्ष विराम जारी है और इसके उल्लंघन की कोई और बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन इस प्रक्रिया से दोनों देशों के बीच वार्ता की बहाली के मामले में कोई सफलता नहीं मिल सकी है। द ट्रिब्यून के मुताबिक भारत फिर से बात करने को इच्छुक है, लेकिन उसका रवैया कड़ा ही है।
भारत कश्मीर मुद्दे पर कोई छूट देने के मूड में नहीं है। वहीं पाकिस्तान में गठबंधन सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा है कि हमारी नीति साफ है, हम भारत से जुड़ना चाहते हैं लेकिन कश्मीर हमारी मजबूरी है। दोस्तों यहां आपको बता दूं कि इससे पहले पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं लेकिन कश्मीर पर पहले बात करनी होगी। हालांकि पाकिस्तान पर चीन के प्रभाव को कम करने के लिए पश्चिमी देश भारत से वार्ता की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए कह रहे हैं लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही पाकिस्तान के साथ बात करेगा। दोस्तों दरअसल भारत के साथ बात करना पाकिस्तान की मजबूरी है क्योंकि उसको यहाँ गेहूं की भारी कमी हो गई है और उसे सस्ते दर पर गेहूं की दरकार है, लिहाजा उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प भारत है क्योंकि भारत से गेहूं मंगाने में उसे एक साथ कई फायदे हैं। पहला, उसकी ट्रांसपोर्टेशन लागत कम हो जाएगी और दूसरा, उसे जल्द से जल्द गेहूं की खेप मिल जाएगी। मानवीय आधार पर भारत पाकिस्तान की गेहूं की कमी पूरा करने के लिए भी तैयार है क्योंकि भारत नहीं चाहता कि किसी भी देश में अनाज की कमी के कारण वहां की जनता भूखों मरे और पाकिस्तान के जो हाल है वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल रूस से 20 लाख टन गेहूं आयात करने की बात कर रहा है लेकिन इससे उसकी कमी पूरी नहीं होगी। इसके साथ ही रूस से गेहूं आयात करने में भी वो हिचक रहा है क्योंकि वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाह रहा है। पाकिस्तान जानता है कि अगर वो रूस से गेहूं आयात करेगा तो अमेरिका से जो थोड़ी बहुत मदद मिलने की उम्मीद बची है वो भी खत्म हो जाएगी लेकिन भारत अगर उसे गेहूं देने के लिए तैयार हो जाए तो उसे ऐसी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान में गेहूं की पैदावार में 2% की गिरावट की उम्मीद है जिसके कारण पाकिस्तान में गेहूं की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अपनी इस घरेलू कमी को पूरा करने के लिए 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात करने की योजना बना रहा है। कम परिवहन और अन्य रसद शुल्कों को देखते हुए पाकिस्तान कम कीमत पर भारत से गेहूं का आयात कर सकता है लेकिन इसके लिए भारत ने जो शर्तें रखी हैं वो पाकिस्तान के गले से नीचे नहीं उतर रही हैं, लिहाजा वो दूसरे हथकंडे से भारत का गेहूं खरीदना चाहता है। इसीलिए उसने तुर्की के साथ मिलकर ये सारी चाल चली जिससे भारत का वापस आ रहा गेहूं उसे मिल जाए। दोस्तों लेकिन ऐन मौके पर इजिप्ट ने तुर्की की सारी पोल खोल दी और अर्दोगान के डबल गेम को उजागर कर दिया। अर्दोगान के डबल गेम का पर्दाफाश, तुर्की ने जिसे ठुकराया इजिप्ट ने अपनाया। दोस्तों तुर्की ने भारतीय गेहूं को ये कहकर लेने से अस्वीकार कर दिया था कि भारतीय गेहूं की क्वालिटी खराब है लेकिन तुर्की के खलीफा अर्दोगान के डबल गेम का खुलासा उस वक्त हो गया जब वही गेहूं इजिप्ट ने तमाम क्वालिटी चेक के बाद न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि गुणवत्ता को फर्स्ट क्लास बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक 55,000 टन भारतीय गेहूं की पहली खेप मिस्र पहुंच गई है और इसने सभी गुणवत्ता परीक्षणों को पास कर लिया है। यहां आपको बता दूं कि इजिप्ट में क्वालिटी कंट्रोल का तरीका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त है और खराब क्वालिटी की बात कहकर जिस गेहूं की खेप को तुर्की ने लेने से इनकार कर दिया था उसे इजिप्ट में स्वीकार कर लिया जाना ये बताता है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत के साथ डबल गेम खेलने की कोशिश की थी जिससे दुनिया भर में भारतीय गेहूं की वैल्यू गिर जाए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और तुर्की के बदनीयत राष्ट्रपति पूरी दुनिया में बेनकाब हो गए। दोस्तों दरअसल तुर्की द्वारा गेहूं की खेप को अस्वीकार कर देना भारत के लिए एक बड़ा झटका था लेकिन इजिप्ट ने क्वालिटी टेस्ट में पास कर भारतीय गेहूं को खरीद कर भारत को बड़ी राहत दी है। वहीं इस खेप को निर्यात करने वाले मेरा ग्रुप के सीईओ नील साहनी ने कहा कि अगर आप मिस्र में गुणवत्ता परीक्षण को पास कर सकते हैं तो आप इसे दुनिया में कहीं भी पास कर सकते हैं। भारतीय गेहूं कभी मिस्र नहीं गया था लेकिन हमें विश्वास था कि हम सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं निर्यात करते हैं जिसका उपयोग भारत के 1 अरब से ज्यादा लोगों ने किया है। मिस्र ने 520 कीटनाशकों और अन्य गुणवत्ता परीक्षणों की उपस्थिति के लिए भारतीय गेहूं का परीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि जहाज को लोड करने के समय मिस्र सरकार की गुणवत्ता जांच टीम भारत में मौजूद थी और उन्होंने प्रयोगशालाओं में हरी परीक्षण पर गेहूं की क्वालिटी को पूरी तरह से जांचा परखा जिसके बाद वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। दोस्तों आपको बता दूं कि अप्रैल में मिस्र ने गेहूं के आयात के लिए भारत को मूल बंदरगाह के रूप में मंजूरी दी थी और जब भारत ने 13 मई से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी उस वक्त जहाज को लोड किया जा रहा था। दोस्तों भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भी उन देशों को गेहूं भेजेगा जहां वो पहले से गेहूं निर्यात करता आया है। हालांकि भारत के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की पश्चिमी देशों और IMF ने निंदा की थी लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि वो दुनिया में गेहूं निर्यातक की बड़ी भूमिका में नहीं है और वो पूरी दुनिया के निर्यात का केवल 1 या 2% ही गेहूं निर्यात करता है। दोस्तों दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में अनाज का संकट खड़ा हो गया है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों को रूस और यूक्रेन गेहूं की सप्लाई करते हैं। जय हिंद जय भारत।